टीकाकरण पई आरंभ हला काउंटडाउन। मकर संक्रांति प्रथम पर्यायर स्वास्थ्यकर्मी को दिजिव कोरोना टीका। केन्द्र सरकार पक्षर् प्रस्तुत हो स्वतंत्र रणनीति जो आज सबु राज्यर स्वास्थ्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम आलोचना करिसथि केन्द्र स्वास्थ्यमंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। किभली सहरर उपांत अंचल टीका पहुंची पार एवं टीकार स्टोरेज और वितरण नहीं विस्तृत भाव बैठक में आलोचना होई। सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची टीकाकरण समय रे पार्श्व प्रतिक्रिया हेले कौन करिबाकु हेबो से विषय रे भी समस्त को अवगत करा जायची। आसंता कालीठारु आरंभ होई जिवो टीका परिवहन कार्य। विमान रे विभिन्न स्थान को पठा जिवो कोरोना टीका। सेंट्रल हब पुनेरु विभिन्न स्थान को टीका पठा जिवो नै रोडमैप प्रस्तुत करा जायची। तेबे टीका पठेबा लागि विभिन्न जोन ने विभक्त करा जायची। उत्तर भारत पई दिल्ली, पूर्व भारत पई कोलकाता और गुवाहाटी, दक्षिण भारत पई चेन्नई और हैदराबाद हेबो मिनी हब। देशरे 41 टी विमान बंदर रे टीका पहुंचिबा नै केन्द्र सरकार लक्ष्य रखिछन्ति। तेबे टीकाकरण पूर्वरु आसंता काली पुणी थरे समग्र देशरे ड्राई रन कार्यक्रम करा जिवो बोली कहिछन्ति केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री। पार्श्व प्रतिक्रिया लागि समस्त टीकाकरण सेंटर रे एसएफआई किट रखिबा लागि केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु कुहा जायछि। एक एक्टिविटी सारा देश मिलकर कल एक साथ करने वाला है देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसको हम ड्राई रन का नाम दे रहे हैं। उसको हम अपना जब भी वैक्सीनेशन कोविड का शुरू होगा उसको उसकी मॉक एक्सरसाइज कह सकते हैं। हमने सबसे पहले 4 स्टेट्स में ये ड्राई रन किया था। 2 दिसंबर को आप जानते हैं कि सभी स्टेट्स के अंदर और लगभग 125 डिस्ट्रिक्ट्स में 285 सेशन के साइट्स पर हमने फिर से एक ड्राई रन किया। वो सब में आप लोगों ने भाग लिया। ये उसी श्रृंखला में कल 8 तारीख को सारे देश के अंदर हम ड्राई रन कर रहे हैं, जिसमें केवल 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि एक स्टेट शायद अपनी विशेष परिस्थिति के कारण उन्होंने आज किया है। एक स्टेट में जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर जो कि पहले ही उन्होंने अपना काम किया जो डेट तय हुई उससे। और कल हम 33 स्थानों पर, 33 यानी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये हमारी जो ड्राई रन है ये हम करने वाले हैं। सेपटे द्वितीय पर्यायर ओडिशा पुलिस पौर संस्था कर्मचारी और कोविड कार्य नियोजित राजस्व विभाग कर्मचारी का डाटाबेस प्रस्तुत कर गतकाली मुख्यमंत्री कोरोना समीक्षा बैठक रे कहिथिले। तेबे टीकाकरण नहीं केन्द्र स्वास्थ्यमंत्री बैठक रे राज्य सरकार पक्षर् स्वास्थ्यमंत्री नव दास सरपंच को प्राथमिक पर्याय टीका दिया जाऊ। द्वितीय एवं तृतीय पर्याय पंजीकरण नहीं सरकार अवगत करंतु एवं ओडिशा रे द्वितीय ड्राई रन सब डिविजनल स्तर रे हेबो। एने केन्द्र सरकार पक्षर् ग्रीन सिग्नल मिलवा पर आसंता काली दिन 10 कोविड टीकाकरण पर ड्राई रन करने को सरकार स्थिर कर सबु जिला और पौर निगम 2 घंटा पर चलो यह अभ्यास प्रक्रिया जहाँ आखि आगे रखी प्रस्तुति सारे को सबु जिलापा और कमिशनर को स्वास्थ्य विभाग चिठी लिखि। सबु मेडिकल कॉलेज, जिला मुख्य डाक्तरखाना और जिलार गोटे उपखंड व गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में ड्राई रन हो स्वास्थ्य विभाग पक्ष कई। मानव स्वास्थ्य मंत्री को दृष्टि आकर्षण कली जे ओडिशा रे रिकवरी रेट हूँ 98.82 एवं आपण सीएफआर रेट हूँ मात्र 0.557। तेणु ओडिशा रे आमर माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नेतृत्व में पूरा कोरोना नियंत्रण अच्छी किंतु तथापि आमको सजग रहिबाक पड़ो। एवं मु केन्द्रमंत्री से दावी करथिली जे 50 ऊर्ध जो मानक टीकाकरण करा घोषणा कर स्वास्थ्य मंत्री तांको रजिस्ट्रेशन केबे हबो से कथा आमको जणैबा दरकार। नंबर 2 हला आज सरपंच रु नहीं सबु जनप्रतिनिधि माने कोविड लड़ाई रे सामिल होती तेणु तांकू मध्य टीकाकरण सामिल करने मु दावी करिछि।
ଏବଂ ମୋତେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଯାହା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସବୁ ଆମକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏବେ ଜଣାଇଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। କଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ କରାଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ସେ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇନି ଏବଂ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ସରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ଆମେ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ନେଲା ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ସେଇଟା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ AEFI ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆଡ଼ଭର୍ସ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍, ତା'ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ରହିବ, ଏନାଫିଲେକ୍ସିସ୍ କିଟ୍ କେମିତି ରହିବ, AEFI କିଟ୍ କେମିତି ରହିବ, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସାର। ସେ କହୁଛି ପ୍ରତି ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଆମର AEFIକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଔଷଧ ଦରକାର ସେ ଯେଉଁ କିଟ୍ ଭିତରେ ଥିବ ସିଏ ସବୁଠି ମହଜୁଦ ରହିବ, ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛୁ ANM ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ଯଦି ସେ ସେଇଠୁ କିଛି ଅଧିକା ହେବ ତାହେଲେ ଆମର AEFI ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଡିକ୍ଲେୟର ହୋଇଥିବ ପ୍ରତି CHCରେ ସେଇଠିକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିକି। ଭାରତରେ ପାଖାପାଖି 30 କମ୍ପାନୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 7 କମ୍ପାନୀର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଫେଜ୍ରେ ରହିଛି, ଯାହା ଭିତରୁ 2 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି। ତେବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ଓ କୌଣସି ଗୁଜବର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାତିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।